वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू प्रूव कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 इज नॉट सिंपल। तो सिंपल प्रूव करने के लिए हमें ये थ्री चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज सिंपल, सिंपल ग्रुप क्या होता है, पीएसएसजी क्या होता है एंड व्हाट इज हाउ टू काउंट पीएसएसजी। ठीक है, जिस जो हम कहां पढ़ते हैं साइलोस थर्ड थ्योरम में। ठीक है, ये हमने इन टॉपिक्स की एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये करने के बाद कि सिंपल ग्रुप क्या होता है, पीएसएसजी क्या होता है, हम ये प्रूफ करेंगे कि किसी भी ऑर्डर का ग्रुप सिंपल नहीं होता तो कैसे नहीं होता। ठीक है, एक चीज हमें ये पता है कि अगर कोई पीएसएसजी यूनिक हो मतलब एक ही हो, तो वो क्या होता है, वो सब ग्रुप नॉर्मल होता है। और अगर वो सब ग्रुप नॉर्मल होता है, किसी भी ग्रुप के पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या होगा, वो ग्रुप सिंपल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमारा ग्रुप 36, ऑर्डर ऑफ जी इज 36। 36 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ओके, इसके 2 SSG एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट 2 SSG ऑफ ऑर्डर 4 एंड देयर एग्जिस्ट 3 SSG ऑफ ऑर्डर 9। ये हम कर चुके हैं कि पीएसएसजी कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक हमने ग्रुप प्रूफ किया था, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56 इज नॉट सिंपल, उसको आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे देखते हैं ये। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा स्पीड से करेंगे कि 36 कैसे सिंपल नहीं है। अब ये आ गया कि 2 SSG भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और 3 SSG भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ 2 SSG कि कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो कैसे हम काउंट करते हैं, n2 शुड डिवाइड, किसको डिवाइड करना चाहिए, 9 को। ठीक है, अगर आप इसका काउंट कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करना चाहिए 9 को, इसका काउंट करेंगे तो 4 को डिवाइड करना चाहिए। एंड n2 शुड बी कॉन्ग्रूएंट टू 1 more 2। ठीक है, अब कौन कौन से नंबर हैं जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं बताइए, 1, 3, 9। पहले तो ये 3 नंबर हैं जो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि 9 के डिवाइजर्स चेक कर लिए। अब कौन कौन सा नंबर सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो हम ले लेंगे। 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, 3 इज सेटिस्फाइंग, 3 - 1 2 होता है, 2 डिवाइड करता है 2 को, 9 - 1 8 होता है, 2 डिवाइड करता है 8 को। तो ये तीनों नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1, 3, 9। ठीक है, अब हम इसके बाद निकालते हैं नंबर ऑफ 3 SSG, ये कितने होंगे, n3 शुड डिवाइड 4 को डिवाइड करना चाहिए और n3 शुड बी कॉन्ग्रूएंट टू 1 more 3। अब 4 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है, और इस कंडीशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 कर रहा है, 1 - 1 0, 3 डिवाइड करता है 0 को, 2 - 1 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 4 - 1 3 ये डिवाइड करता है। तो अब हमें ये पता चल गया n2 जो है नंबर ऑफ 2 SSG या तो 1 होंगे या 3 होंगे या 9 होंगे, और 3 SSG या 1 होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे, 1 होंगे या 4 होंगे। ठीक है, तो अब हम ये 2 केस लेते हैं। ओके, बहुत सिंपल है। सो आप क्या लोगे, n2 इज 1 और 3 और 9, n3 इज 1 और 4। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या केस बन सकते हैं, या ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये कुछ भी हो, यूनिक आ गया मतलब नॉर्मल हो गया। ये क्या है आपका, ये 1 है तो ये कुछ भी हो, यूनिक आ गया मतलब नॉर्मल हो गया। हम एक केस लेते हैं कि दोनों में से कोई भी 1 नहीं है, सपोज कीजिए हम n2 को ले लिया 3 ऑफ n3 को ले लिया 4, इसका मतलब 2 SSG एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने है? 3, h1 h2 h3, इन सबका ऑर्डर कितना है, 2 SSG का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि 2 SSG का ऑर्डर क्या होता है, 4 ऑर्डर होता है, यही होता है ऑर्डर होगा 4। इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, बट आइडेंटिटी कॉमन है, तो कितने बचे, 3 + 3 + 3, 9 और 1 10 एलिमेंट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, इसमें ये आपके पास कितने हैं, k1 k2 k3 k4, 4 है, 3 SSG, ऑर्डर क्या होगा, 9 होगा, 9 9 9 9, 4 में 9 एलिमेंट्स है, ऐड कीजिए, एक आइडेंटिटी कॉमन है जो यहाँ पे भी है। ठीक है, कितने बचे, 8 + 8 + 8 + 8, 32, कितने हो गए, 32 + 10 42,
42 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर ही 36 है, तो इन सब ग्रुप्स का ऑर्डर 42 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आप इसको 9 लेके इसको 4 लेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा, तब भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 36 का ऑर्डर है जिसमें ये दो केस तो पॉसिबल नहीं है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 इज नॉट सिंपल, क्योंकि बाकी सारे केसेस में नॉट सिंपल होगा, क्योंकि बाकी सारे केसेस में कुछ ना कुछ कोई भी एक क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे हम प्रूव करते हैं बाय काउंटिंग PSSTs की कैसे किसी ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वो सिंपल नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।